जय सभी भाइयों को, सभी को राम राम। मैं सतन यादव और आप देख रहे हैं फौजी फैमिली। दोस्तों, जो हमारे पीछे जितने आप बंदे देख रहे हैं, ये हैं एसएससी जीडी वाले, और ये बंदे सारे पुराने हैं, लेकिन इनका फोकस नहीं था एसएससी जीडी के लिए कि अभी मैं 5 किलोमीटर तैयारी करूँ। आज आपको पता है कि कल रिजल्ट आ गया है इन लोगों का, तो अब इनका फोकस जा रहा है कि मेरे को 5 किलोमीटर कम्प्लीट करना है। तो इनकी फर्स्ट दिन मैं टाइमिंग लेने वाला हूँ और देखता हूँ कि इनकी टाइमिंग कैसी क्या आती है। वैसे तो सारे प्रैक्टिस करने वाले बंदे हैं, अब आपको बताएंगे कि इन प्रैक्टिस करने वाले बंदों की कैसी क्या टाइमिंग आती है। रेडी हो आप लोग? दोस्तों, आप देखते रहिए, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा और इनकी टाइमिंग भी बताऊंगा कि क्या कैसी आती है। और दोस्तों, आप भी अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपकी टाइमिंग कितनी आती है। रेडी? टाइमिंग हो गई चालू, गो। और सुनो सुनो, इतना नहीं खींचो, दो पे डालो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सारे बंदे अपनी रनिंग कर, चलो बड़ा बस ज़्यादा नहीं खींचने अपन को, ठीक है। और फर्स्ट दिन है अपना, तो देखते हैं क्या कैसी टाइमिंग आती है। और घड़ी में दौड़ते नहीं बनना, इसकी याद मत डालो, ठीक है। ये बड़ा, चलो स्कूटी बड़ा, गाड़ी बड़ा कर। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। और अगर आपको अपने सपनों से प्यार मोहब्बत है, अपने सपने साकार करना है आपको, तो एक बार ज़रूर आए। और आपको पता है कि प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी फील्ड में आप जाते हैं तो उसमें देखो, जब सांस फूलने लगे तो गहरी सांस आपको लेना है और छोड़ना है। इसमें ये नहीं होता कि मुंह से ले रहे कि नाक से, इतने लंबी रनिंग में हम नाक से सिर्फ सांस नहीं ले सकते, ठीक है। दोनों यूज कह सकते, और गहरी लेना है, गहरी छोड़ना है, बस नॉर्मल बेस में। और आपको बता दें कि ये आपको वाइट वाले दिख रहे भैया, इनकी रनिंग दूसरी है, ये जीडी वाले नहीं है, लेकिन उनकी 5 किलोमीटर की है। और ये बंदा तो आपको वो बहुत वीडियो में दिखा होगा, पुलिस का धावक है। आराम से, आराम से आते हो। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आज हम आपको बताएंगे कि कितने आप किस तरह स्टेप रखोगे तो आपका टाइमिंग मिल जाएगा, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, फर्स्ट दिन है, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, बस खींचने की कोशिश मत करना, लंबा समर है। दोस्तों, अगर कभी आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो आपको मैं बता दूं कि आपको ना तो शुरुआत खींचना है, ना आपको बीच में खींचना है। आपको कहीं भी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक स्टेप में चलते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक 19-20 मिनट आपकी आ ही जाती है, अगर आप अच्छे से स्टेप लगाते हैं तो। तो दोस्तों, मेरा तो आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप आइए, मेहनत कीजिए। और अगर भैया कवर करके रखो दोनों, सो हल्के, हाँ बढ़िया, इस स्टेप से मारो दोनों लोग। और कोई बड़ी बात नहीं है हमें 5 किलोमीटर कंप्लीट करने में, सिर्फ हमको माइंड को सेट करना है, कि हमको दौड़ना ही दौड़ना है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है हमारे कि भाई हमको 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी है। अगर आप 5 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप नॉर्मल अपना टाइमिंग घटा लोगे, क्योंकि इसमें ये रहता है कि आपको 5 किलोमीटर कंप्लीट करना ही करना है। और आप 5 किलोमीटर कंप्लीट करना सीख गए तो आपकी टाइमिंग ही मैनेज हो जाएगी। तो आपको बता दें कि सिर्फ इतने ही हमारे पास एसएससी जीडी के बंदे थे, तो वे तैयारी कर रहे। अगर आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, वो आपको तैयारी करना है एसएससी जीडी की, आप हमको 1 महीने दे दो, हम आपको आपका रिजल्ट दे देंगे, बस आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। और आप एक बात याद रखना
कि 5 किलोमीटर की जब भी आप दौड़ने की सोचो और जब भी आप टाइमिंग लगाओ तो आपको ये सोचना है कि मेरे को तब तक नहीं रुकना है जब तक मेरा 5 किलोमीटर कंप्लीट ना हो जाए। लकी बगल में आजा लड़के, बगल में आजा, बगल में ज़्यादा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। शिवम आजा, चल पकड़ के रखो यार, गाड़ी बढ़ा के रखो। देखो आज हम देखेंगे कि अभी मैंने भी काफ़ी समय से टाइमिंग नहीं लगाई इनकी 5 किलोमीटर की, और मेरा फोकस अभी था पुलिस का, और अभी आपको पता है कि आर्मी वाला बैच चल रहा है तो अभी वो ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आज सोचा कि इनका फर्स्ट दिन ही चेकअप किया जाए कि कितना क्या टाइमिंग लेके आते हैं, तो उन पर उस तरीके से हम काम करेंगे। और आपको बता दें कि मेहनत किसी भी फील्ड में अगर आप करते हो, पसीना बहाते हो अपने ग्राउंड पर, अपने सपनों के लिए अगर आप पसीना बहाते हो तो आप सफल जरूर होंगे। और आप इन लोगों के स्टेप देख सकते हैं, आगे वाले बंदे की आप देख सकते हैं। इस बंदे को तो आपने देखा ही होगा, इसको टाइमिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर, क्योंकि उसकी टाइमिंग अच्छी आती है, अगर वो चाहे तो 18:17:18 ले आ सकता है। आपको कहीं वीडियो में दिखा होगा कि इसकी टाइमिंग 2:08:10 की समथिंग आती है ग्राउंड पर। चल थोड़ी बड़ा गाड़ी बड़ा, तो मेरा सिर्फ इतना फूक पीछे टूट दे रही है भैया, बढ़िया लकी है बाहर खींच के पकड़। इसमें देखो एक बात है कि आप शुरुआत से पकड़े ना हो लड़कों, क्योंकि आप ये सोचो कि मैं एंड में कवर कर लूँगा तो फिर नहीं हो पाता भाई, और यही रीजन है फेल होने का कि आप बगल वाले सामने वाले बंदे को पकड़ के रखो, खींच के नहीं, खींचना नहीं है आपको, उसे पकड़ना है। आपको ये सोचना है कि मेरे को आगे वाले बंदे के कदम में कदम मिलाने हैं, अगर उसके कदम में कदम मिला लिए ना तो आप, जैसे 10 लड़कों का ग्रुप है ना, उसमें जो 5-6 लड़के आगे दौड़ रहे हैं उनको कवर करके रखो, आपकी टाइमिंग अपने आप आ जाएगी। थोड़ी अजीब बड़ा गाड़ी के साथ नहीं चलो, आप थोड़ी स्टेप दिखा दूँ। अरे लड़के पीछे मत देख, कोई नहीं, वह ज़्यादा नहीं टूटे। इसकी आप स्टेप देख सकते हैं, इसकी स्टेप देख सकते हैं आप, देखो परफेक्ट स्टेप आ रहे हैं इसकी। और एक बात है कि इस लड़के के थोड़े वीक हैं, आप अब कभी जब थक जाओ ना तो कभी कभी टोपे दौड़ने लगो, रिलैक्स मूवमेंट में हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा खींचने की कोशिश मत करो, हम वहाँ खिंचवा देंगे, ठीक है। पीछे वाले लड़के लड़के आप देख सकते हैं कि दोस्तों अगर आप स्टेप अच्छे मारते हैं तो आप भी रनिंग तो क्वालिफाई कर लोगे भाई, जीडी की रनिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जीडी की रनिंग बिल्कुल नॉर्मल है, इसके स्टेप दिखाना। चलो चल थोड़ा चल चल चल, बड़ा 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 अजीत गाड़ी बड़ा। आप देख सकते हैं भैया कि ये स्टेप बढ़िया रख रहे हैं लड़के, बॉडी भी बढ़िया चल रही है, और थोड़ा हैंड मूवमेंट ठीक रखो, हैंड मूवमेंट। देखो हम जब अपन रनिंग करते हैं, हम लोग रनिंग करते हैं ना भाई, तो हमारी फुल बॉडी का अलग अलग अहमियत होती है, हर बॉडी का जो हर एक पार्ट है ना उसकी अलग अलग भूमिका है, अपनी जगह अलग अलग भूमिका है, और सबका महत्वपूर्ण है बॉडी का कि कौन सा पार्ट्स कब हमको यूज करना है। जैसे अगर आप हैंड नहीं चलाते हैं तो आपके शोल्डर भर जाएंगे तो आप बिल्कुल रनिंग नहीं कर पाओगे, आप देख सकते हैं। और लड़के सिर्फ फोकस देना कि मेरे को 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, ठीक है। टाइमिंग बढ़िया आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम करेंगे कंप्लीट। जीडी में पता है कितना मांगते? 24 मिनट, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं, देखिए कि लड़के कोई पता नहीं चल रहा है, ये होती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी ये नहीं सोचोगे कि मेरे को दौड़ना है। ये लड़के को हम एंड में बताएंगे आपको कि दौड़ कहाँ से तोड़नी पड़ेगी आपको कि क्वालिफाई हो जाए। अजीत गाड़ी बढ़। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब लड़के मेहनत करते हैं तो वो निखरते भी बहुत तगड़े वाले हैं। ये हमारे पास जब आया था ये बंदा जो सामने आपको चल रहा होगा, तो हालत ऐसी थी कि बच्चा ही था जब छोटा,
चल के नहीं जानता था ग्राउंड पर। मैंने कभी बोला कि चार राउंड लगा दो तो एक ही राउंड में खड़ा। आज क्वालिफाई एमपी पुलिस में अच्छे खासे नंबर हैं और एसएससी जीडी में 144 नंबर हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और मेहनत देखो निखारती है इसकी, पुरानी कभी वीडियो देखना इस अकाउंट में डली होगी। तो जब आप मेहनत कहते हैं तो आप निखरते ज़रूर हैं, और आप निखरोगे तभी जब आप मेहनत करोगे। तो मेरे भाई लगे रहिए मेहनत में, जुटे रहिए, हमें सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ नाक से सांस लेनी है, ठीक है, मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन गहर जब थोड़ी ऐसी है कि हमारी ज़्यादा सांस फूलने लगी तो गहरी सांस को लीजिए और गहरी छोड़िए। और ये बंदा भी पुलिस वाला है, एसएससी जीडी वाला, अब नया बन गया है और बढ़िया बढ़िया रनिंग कर रहा है। चलो हमारी आधी रनिंग हो गई और 10 मिनट कम्प्लीट हो गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए दोस्त। और यही कारण है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपके अगर लेग अच्छे से खुलते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं कह सकता। और यही देखो क्या है कि जब हम 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं ना भाई, तो उसमें पहले तो लड़के माइंड को सेट नहीं कर पाते, तो वो पूरा कंप्लीट कर तो सकते हैं पर कर नहीं पाते, क्योंकि वे माइंड से स्ट्रॉन्ग नहीं होते। 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए पहले माइंड से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब आप बिल्कुल नॉर्मल कर लोगे, कोई ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरीके स्टेप से आओगे ना, तब भी आपकी टाइमिंग के पहले ही आप आ जाओगे। आप देख सकते हैं बहुत लंबी रनिंग कतार लग चुकी है और 6 लड़के थे, 6 में देखते हैं टाइमिंग कितने की आती है। ऐसा है कि हमको तैयारी तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं। और देखो पहली बात है कि जूते को आपको अच्छा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पैर सलामत हैं तो हम कभी भी फतेह कर सकते हैं। और बड़ा शूज अच्छा होना चाहिए हमारा, डाइट अच्छी होनी चाहिए। और एक बात, जब हम रनिंग करते हैं तो लेसों को अच्छा बांध लिया करो, ठीक है, लेस अच्छे, जैसे रनिंग होने करने के पहले हमको लेसों को अच्छे से बांधने लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीच में लेस बांधने के चक्कर में रहोगे तो आपका एक मिनट जाएगा सीधा, समझ आए ना भाई। और दूसरी बात है कि आप अगर अच्छा जूता पहनते हैं तो आपको 5 किलोमीटर रनिंग करने में जलन नहीं होगी। और आप जैसे इस लड़के की मैं दिखा दूँ आपको जूता, ये ठीक है जूते, सेगा कंपनी के हैं, जो आज काफ़ी लोग यूज करते हैं रनिंग वाले, जो थोड़े अफोर्ड ज़्यादा महंगे नहीं कर पाते जूता, तो सेगा का भी बढ़िया जूता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आप लेग देख सकते हैं भाई के, स्टेप देख सकते हैं, परफेक्ट स्टेप रख रहा है भाई, और आप देख सकते हैं, और मैं आपको दिखा दूँ, बहुत बढ़िया, ज़्यादा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई 13 मिनट हो चुके हैं भाई के, और कम से कम 2-3 किलोमीटर के समथिंग तो कंप्लीट हो गया। और क्योंकि हमारा ये मीटर नहीं चल रहा है और हम पहले से नापे हुए हैं इस रोड को कि कहाँ तक 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता, तो आपको मैं बता दूँ कि ए लड़के देख के इसने ये गलती कर दी, ये खड़ा हो गया। यही तो है भाई कि आप शुरुआत में इतना मत खींचिए कि आप बीच में रुक जाओ, ये अगर ऐसे 1-2 बार करता है तो ये फेल भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, इसकी टाइमिंग नहीं मिल सकती, क्योंकि आप कंटिन्यू करते हैं। तो देख के इस पीछे वाले को, ये खड़ा हो गया था, फिर से रनिंग करना चालू कर दिया। चलो अब आपको इस टाइम में रखना है, ठीक है, चलो बढ़ा के चलो। आप इसके लड़के की मैं बताऊंगा, इसको अभी इसके 5 फॉल स्टेप खींच के आओ, बस स्टेप नहीं, बस स्टेप खींचना है। मैंने देख के, अब देख के इसके स्टेप, आप इसके स्टेप देख सकते हैं, ये स्टेप, यही स्टेप आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, बस टूटना नहीं। देखो फिर से उस लड़के को दिखा दूँ, देख के दोस्तों फिर से चलने लगा, यही गलती, क्योंकि जब हम पैदल चलने लगते तो उसमें हम जब दोबारा चालू कर पीछे मत देखा कर, और
उसमें क्या होता है जब हम खड़े हो जाते फिर रिदम बनाते ना तो एक मिनट उसमें ही खराब हो जाता भैया भैया। तो दोस्त क्या है कि हमको पहले सेटल करना है अपने माइंड को। चल लड़के स्टेप से, और इस लड़के की आप स्टेप तो देख ही रहे होंगे, अब देख सकते हैं परफेक्ट स्टेप मार रहा है लड़का। देखो बंदे में जान होनी चाहिए, बंदे को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो कुछ भी कह सकता है। और अब हम आपको बता दें कि इनको क्या है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आजकल लड़के क्या करते हैं कि बहुत गलती करते हैं, थोड़ा दौड़ लिए और उनको लगता कि निकल जाएगा, तो ये मुमकिन तो नहीं होता। चल लड़के, आप देख सकते हैं कि लड़का बढ़िया, मैंने इससे खिंचवाई नहीं तो अच्छी टाइमिंग लाता। मैं सोच रहा था जो पीछे वाले लड़के हैं वो इसके कवर करते हुए आए तो सारे लोगों की देखा जाए कि टाइमिंग कैसी क्या है। ये लड़का देखते हैं कि कितने में कंप्लीट कर पाता है आज। और अभी इस स्टेप से लड़के देख सकते हैं मेरे से तो काफ़ी दूर चल रहा है लड़का। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करके हमें बताइए कि इस लड़के का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 144 नंबर हैं और स्टेप भी गजब के हैं, रनिंग भी तगड़ी वाली मारेगा वहां पर जाके। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अगर SSC GD की तैयारी करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जो फिर और एक है कि रनिंग का एक उसूल होता है कि जब तक आप करते रहो तब तक वो आपकी रहेगी, कि जब तक आप उस करते रहो तैयारी जब तक वो आपकी रहेगी, और जब आपने जिस दिन से आपने छोड़ दिया वो आपको छोड़ना चालू कर देगी। तो इसको छोड़ना नहीं है, ये जो मैंने बोला था कि ये पुराने बच्चे हैं पीछे वाले, वो यही गलती कर रहे थे कि 4-5 दिन में एक बार आए, थोड़ा बहुत दौड़ा और निकल लिए। तो आज उनका रिजल्ट उनके सामने दिखाऊंगा, अब उनकी थोड़ी आँखें खुलेंगी तो पता चलेगा कि 5 किलोमीटर भी इतनी आसान नहीं होती जितना लड़के वाक सोचते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, करते रहिए तैयारी और मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलती रहेगी पर हम मंजिल के लिए ना मेहनत करें ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात हो जी। और कभी आपको भी तैयारी करनी है तो आप मेरे को टाइम ज़रूर दीजिएगा, मेरे को मौका ज़रूर दीजिएगा ट्रेनिंग करवाने की, तैयारी करवाने की। अब हमारे पास ओनली ऑन 2 मिनट है तुम्हारे लिए, टारगेट है 400-500 मीटर का, ठीक है? अब खींच के चलना पड़ेगा हम। आपके पास ये देखिए घटिया है ना, जो हम घाट बोलते हैं उसी टाइप का है, तो यहाँ लड़कों की जान निकल जाती है। ये कर देगा 21 मीटर, इसका 21 के समथिंग हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। फिर देखते हैं ये कैसे मारता है। आपने मेरे इस वीडियो में देखा होगा कि मैंने शुरुआत से इसको बिल्कुल भी खींचने को नहीं बोला था, क्योंकि इसके स्टेप थे वो कवर कर लेगा। आपको पता है SSC GD के अंदर 24 मिनट चाहिए होते हैं, और यहाँ अगर आप 24 मिनट हमारे अकॉर्डिंग यहाँ भी आप 24 मिनट दौड़ के जाते हैं ना तब भी आप हो जाओगे। चलें दोस्त, लड़के खींच के रख दे। अभी तो काफ़ी है, 400 मीटर की समथिंग है, ठीक है? चल खींच के रख, हमारे पास फिक्स 1 मिनट 50 सेकंड है तुम्हारी अकॉर्डिंग, ठीक है? तुम्हारी टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं ये 20 मिनट में कंप्लीट कर पाता है। चलो खींच, पूरे स्टेप देखो, इस स्टेप पे फोकस दो भाई। लड़का काफी दूर चल रहा है, ये बस जा रही ना उतरे से, अपन इसको 100 मीटर का खिंचवाना है। खींच के रख लड़के, स्टेप खींच। तो आप देख सकते हैं जितने भी मेरे अग्निवीर भाई कर रहे हैं SSC GD की तैयारी, तो आप एक बात जरूर देख लें, सोच लेना
सोचना घर पर बैठ के कि हलवा नहीं है, 5 किलोमीटर दौड़ना हलवा पूरी नहीं है, जब चाय खा लो। इसको मेहनत करनी पड़ती है, इसमें जान निकल जाती है। देखो यहाँ वो पेड़ लगो ना, वो गाड़ी आ रही उस साइड से, देखो वो है टारगेट, वहाँ गाड़ी आ रही थी ना उस साइड से, उतर तक चल खींच के रख, और हमारे पास 1 मिनट बचा है तेरे लिए, चल खींच के रख, खींच के रख, खींच के रख, चल चल। ये सोच मेरे को 200 मीटर दबा के दौड़ना है जितना हमको स्प्रिंट, जय चल चल जय बहुत। आप देख सकते हैं स्प्रिंट स्टेप देख सकते हैं, और हैंड चला, हैंड मूवमेंट ठीक रख, जय जय, बगल से ज़्यादा फैलानी है, चल टोपे का आ जा, टोपे टोपे टोपे, चल चल बड़ा 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 बड़ा, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं ला पाया मेरे थोड़ा, चल चल खींच के 100 मीटर 100 मीटर। देखो अब टूटने लगा थोड़ा लड़का, क्या इसका रीजन ये है कि इसने भी कम से कम 15 दिन से अकॉर्डिंग अच्छा से वर्कआउट नहीं किया, 1-2 दिन आया फिर गायब, फिर आया फिर गायब, क्योंकि पुलिस वाले बंदे यही कर रहे। 50 मीटर स्टेप स्पीड खत्म। चलो आप देख सकते हैं, बस खड़ी कर लो, खड़ी कर लो, खड़ी कर लो, आप देख सकते हैं 20 मिनट 32 सेकंड में कंप्लीट किया लड़के ने। आजा अजीत, और अब देखते हैं कंटिन्यू। इधर लड़के पैदल आ, आपको मैंने देखो एक बार फिर बता देता हूँ मैं कि 20:47 हुए अभी, और चल रहा था बंदा बढ़िया, और इसका टाइमिंग आया 20 मिनट 30 सेकंड, 20:30 में आ गया लड़का। कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों वो बंदे क्वालिफाई तो कर लेंगे जो मेहनत करेंगे। और हम आपको बताते रहेंगे कि किस बंदे का कितना आता है, देख सारे बंदे आ पाते हैं कि नहीं आ पाते। और लड़के ने काफ़ी अच्छा मारा, मैंने बोला था वो तो धावक है मार देगा। और अभी टाइम हुआ है 21 मिनट 33 सेकंड, और पल्स भी बता दूं क्या मैं आप? बढ़िया लड़के, हर पुलिस वाला जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, ये बंदा आप देख सकते हैं पीछे वाला पुलिस की तैयारी कर रहा था, और ये भी आया है अच्छे टाइमिंग में। इसकी फिक्स टाइमिंग 22 मिनट होगी, देखिए 22:05। दूसरा बंदा आ गया, अब वो बंदे दिख तो नहीं रहे, देखते हैं आ पाते कि नहीं आ पाते। एक और बंदा आया है दिख रहा है भाई। अभी वो चाहे तो मिला सकता है अपनी टाइमिंग, 22:33 हो गए अभी है उसके पास। लड़के आजा, देखो एक और पीछे आया, देखते हैं। हाँ एक तो देखते हैं 24 में कंप्लीट कर पाता कि नहीं। और अब मैं आपको इस कल नहीं परसों लूँगा फिर से टाइमिंग, तो देखता हूँ फिर कितना इम्प्रूवमेंट आता है। आप 23:11 23:12 आजा लड़के, चल आजा आजा आजा। आप देख सकते हैं कोई फ्रॉड नहीं है, आप मेहनत करते रहिए। देखो 23:27 हो गए, आ गया टाइमिंग से पहले 24। लड़के ये तो लगी है, ये
क्या कहते हैं कि अभी देखो, अगर आप ग्राउंड से मक्कारी करोगे तो आपकी टाइमिंग आपके साथ मक्कारी कर देगी। तो आपको ग्राउंड से मक्कारी बिल्कुल भी नहीं करना है और लगे रहना है अपनी मेहनत में। देखते हैं, देखो जो दूसरा बंदा है ये 24-17 थोड़ा खींच लेते टाइम मिल जाते तो 24 मिनट 25-26 सेकंड हो गए हैं। एक और पीछे आ रहा है इसका, देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं SSC जीडी की, बनना चाहते हैं फौज वाले घोड़े, तो आप जरूर आए फौजी डिफेंस अकेडमी। एक ऐसा संस्थान है जहां पर आपको गुमराह बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग पे लठ दिया जाता है, तैयारी कराई जाती है, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आते हैं वो चीज़ कराई जाती है। हमसे आपको झूठ बोलने का कोई भी काम नहीं, आप आइए मेहनत कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। आजा लड़के, यार सोच रहे होंगे आपको कैसे पता कि यहाँ 5 किलोमीटर, तो मैं काफ़ी टाइम पहले दे चुका हूँ, यहाँ 4-5 टाइम लगा चुका हूँ, तो पता। आजा 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 लड़के, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया तूने, लेकिन अब 1-2 दिन प्रैक्टिस कर हो जाएगा भाई। ये हमारा जो भाई है जो 25 मिनट 28 सेकंड, मतलब कि 1.5 मिनट लेट है अपने टाइम में, देखते हैं 2-4 दिन के अंदर। इधर आ जा लड़के, 2-4 दिन के अंदर देखते हैं हम कि इन लोगों की टाइमिंग घटा पाते हैं कि नहीं। 4 दिन में अब कब है अपना फिजिकल, कब है भाई? 15 तारीख को, आज 10 हो गई यार, 10-11, तो हम 15 तारीख तक इसकी टाइमिंग भी ला देंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी, कम 15 की भाई को है। और अगली टाइमिंग में 2 टाइमिंग डालने वाला हूँ 15 की, ठीक है, हो गए ना, तो जरूर कम होगी आपकी। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, आप भी अपनी मेहनत को करना चाहते हैं और आप अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, फौजी डिफेंस जरूर है। आपको मैं बात बता दूँ, अगर मेहनत करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप कहाँ से हो, कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, और इन बंदों की जो फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जय हिंद।